3 मई को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इस विभाग की स्थापना 3 मई 1971 को की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे, जिन्होंने विभाग के नए अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के 2021 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा होने के चलते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस स्थापना दिवस को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मना रहा है, जिसके तहत कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया है। विभाग के द्वारा इस पखवाड़े में स्वच्छता को लेकर विकसित नई तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर चुनौतियां और उम्मीद शीर्षक के तहत एक राउंड टेबल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आला अफसर, विभिन्न भागीदार, पूर्व सचिवों, वैज्ञानिकों और मीडिया के लोगों ने हिस्सा लिया। 1 मई से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 15 मई तक जारी रहेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ इन साइंस।